किसान साथियों, आज है संडे और हमेशा की तरह मैं हाजिर हो चुका हूं आपके जितने भी पूछे गए सवाल है उसको लेकर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस हफ्ते काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सवाल है वह पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपका भी जो सवाल है वह वीक हो गया हो। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है अनूप लकड़ा, सीधी बुआई में खर्च कम लगता है और पानी भी कम, बेस्ट तरीका सीधी बुआई करना है अब। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो कहना है वह सही है और दूसरे तरीके से देखा जाए तो आपका कहना जो है वह गलत भी है। किसान साथी, मेरे उस वीडियो में कहने का मतलब यह था कि अगर आप शुरुआत स्टेज में क्या होता है कि जब आप रोपाई करते हैं तो शुरू से ही उसको पानी की आवश्यकता होती है, और अगर आप सीधी बुआई करते हैं तो बारिश नहीं होने की स्थिति में आपको ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जो आपका धान है वह मरने की शिकायत नहीं आती और आपको ज़्यादा परेशानी भी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन एक सही प्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता उतनी ही होती है जितनी आप रोपाई करते हैं उसमें, लेकिन शुरुआत में आपको उतना आवश्यकता नहीं है, यह एक सही बात भी है। अगला जो कमेंट करने वाला है सुंदर नेपाल, बरसात में लगाने के लिए फल के साइज 60 से 65 ग्राम होने वाला कौन सा टोमेटो होगा। तो लगभग जितने भी मैं दो वीडियो लाया हूँ बरसात में टमाटर की बेस्ट वेरायटी को लेकर, तो लगभग सभी वेरायटी में आपको 60 से 65 ग्राम आसानी के साथ मिल जाएगा। लगभग 70, 80 अलग अलग वेरायटी के हिसाब से 100, 110 ग्राम का भी वेरायटी है, लेकिन 60 से 65 ग्राम से ऊपर ही आपको उन सभी वेरायटी में देखने को मिलने वाली है। तो आप वह दोनों वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है अशोक कुमार यादव, मैं 12 जून को टमाटर की नर्सरी पोट्रे में दिया, लेकिन आज 20 जून हो गया है, अभी तक सीड नहीं निकल पाया है, उसके लिए क्या करें। तो उसमें आप जब सीड डाले हैं उसी समय आप कुछ न कुछ मिस्टेक किए हैं, तभी इस तरीके का जो समस्या वह देखने को मिल रही है। या फिर हो सकता है कि आपने जो बीज लिया है वह भी आपसे गलत हो गया हो, क्योंकि देखा यह गया है। इसमें आपको मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ कि कई सारी बीज होते हैं जहाँ से आप लेके आते हैं वह पिछले साल का स्टॉक माल जो रहता है उसको दे देते हैं, यह सब समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि अभी हमने 3150 में देखा, उसमें जो पैकिंग है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और जो नामधारी 965 है उसके पैकिंग में भी चेंज किया गया है। तो आप जो नया पैकेट है वही को खरीदें, जो पुराना है उसको आप खरीदने से बचें, और या फिर आप हो सके तो आप जो उसका एक्सपायरी डेट है वह देखें, और कम से कम 4 से 5 महीने जो उसका डेट है वह बचा हो। आप कोई भी सीड से लेते हैं कम से कम 4 से 5 महीना जो एक्सपायरी डेट होता है वह बचा रहना चाहिए, उसी सीड से को आपको लेकर आना चाहिए, नहीं तो इस तरीके का समस्या और भी कई सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगला जो कमेंट करने वाला है दुर्गेश ध्रुवंशी, इस दवाई से कुछ नहीं होता, यकीन नहीं होता तो मेरे यहाँ आकर देख लो। तो हो सकता है भाई कि आपको जो रिजल्ट है वह सही देखने को नहीं मिला हो, इसमें कोई दोहराई वाला बात नहीं है, लेकिन हमें तो काफ़ी बेहतर उससे रिजल्ट देखने को मिला है, 100% हम उससे नियंत्रण कर पाए। वैसे और मेरे जानकारी में तो उसका आलू कीड़ा का नियंत्रण के लिए कोई दूसरा दवाई देखने को अभी तक तो नहीं मिला है, और अगर आपको कोई अन्य दवाई से रिजल्ट मिला हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी मदद हो सके। अगला जो कमेंट करने वाला है संजय, खेत की तैयारी कैसे करें, नौ नांगर से जुताई करके मेड़ बना ले क्या। तो आप निश्चित रूप से नौ नाग से भी आप जुताई कर आप बेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला जो कमेंट करने वाला है वरुणेश मौर्य, बरसात में अगर जून में टीपी करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें, एक एक लगाएं या दो दो। तो अगर आप जून पर टमाटर की रोपाई कर रहे हैं तो आप कम से कम 1 फीट तो आप बिल्कुल रखें जो पौधे से पौधे की दूरी है वो, और अगर आप घर पर जो नर्सरी तैयार की है तो वैसे परिस्थिति में आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आगे चलकर उसमें आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि एक पौधा अगर मर जाता है या फिर आगे चलकर कुछ रोग से ग्रस्त हो जाता है तो आपका एक पौधा आपको आगे साथ देने ही वाला है। और वैसे में अगर आप नर्सरी आर्डर से लाए हुए हैं तो आप एक ही पौधा लगाएं। अगला जो कमेंट करने वाला है कैम्पले रोस, ये झूठ बोल रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखिए किसान भाई, कोई भी अगर आप फसल कर रहे हैं उसका एक निश्चित नहीं होता कि आप इतना प्रॉफिट ही जनरेट करने वाले हैं, उसमें वह जो किसान है वह एक अंदाज़ा बताए हैं, एक अनुमान बताए हैं। जब हम वह वीडियो बनाए थे उसके बाद रेट काफ़ी ज़्यादा उछाल मारा, 1200-1500 रुपये प्रति कैरेट तक
टमाटर उस समय बिका तो निश्चित रूप से उसमें उसको जो प्रॉफिट है उसके बताए गए जानकारी के हिसाब से ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि आगे चलकर रेट बढ़ गए तो वैसे में होता क्या है कि रेट के हिसाब से उससे कम भी हो जाता है प्रॉफिट और ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन जो किसान होते हैं वह एक अंदाज़ा बताते हैं कि इतने तक हो जाता है, वैसे झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं होती किसान भाई। अगला जो कमेंट करने वाला है डीके गेमिंग, नामधारी 962, टमाटर में विल्ट रोग कम आता है क्या? तो वैसा कोई बात नहीं है कम आता है या फिर ज़्यादा आता है, ऐसा कोई समस्या नहीं है, उसमें भी आता है यह बात है। अगला जो कमेंट करने वाला है डीएम सिंह, नामधारी 962 वैरायटी के बारे में सुना है कि यह दोबारा की तुड़ाई से ही फल का छोटा साइज बनाने लगता है, भाई साहब क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगा सकते हैं? हमें तो इस तरीके का जो समस्या है वह देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम प्रतिवर्ष नामधारी का 962 ही लगाते हैं, हम प्रथम तुड़ाई पर भी और जो सेकंड तुड़ाई पर भी हम जो साइज है वह हमको कमी देखने को नहीं मिलती, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता किसान भाई। उसमें आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपका फर्टिलाइज़र का शेड्यूल है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, उसके हिसाब से भी आपको साइज छोटा कोई भी वैरायटी में देखने को मिल सकता है। अगला जो कमेंट करने वाला है राम प्रसाद, अभिलाष टमाटर की अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में नर्सरी करके अगस्त के लास्ट सप्ताह में लगा सकते हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया बैकुंठपुर की जलवायु में? आपके क्षेत्र में अगर आपके आसपास टमाटर की खेती अगर होती है तो वैसे स्थिति में आप अभिलाष टमाटर की खेती भी निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अभिलाष टमाटर को लगभग भारत के हर कोने में लगाया जा सकता है। अगला जो कमेंट करने वाला है उस्मान गनी, सर जी मैं 10 मई को BSF की सिंघम भिंडी लगाई थी जो आज 45 दिन की हो गई है, पौधे की ऊंचाई 3 फीट के करीब हो गई है और अभी तक फूल भी नहीं आए हैं, फूल की कलियां आ रही है, क्या करूं सर इसकी हाइट को रोकने के लिए कुछ इस्तेमाल करूं क्या? क्योंकि मैंने उसको 1.5 बाई लगाई थी जो अंदर गिरने की जगह भी नहीं बची है और अभी तो हार्वेस्टिंग भी चालू नहीं हुआ है, तो आगे चलकर क्या होगा? सबसे पहले जो हाइट है उसको आपको कम करने पर ध्यान देना चाहिए, उसके साथ आप जो है प्लांटेशन कर चुके हैं तो आप उसमें आगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको सलाह देना चाहूँगा अवश्य कि अगर आप बरसात के लिए आप भिंडी की खेती करते हैं तो जो बेड है पेड़ से जो बेड की दूरी है वह कम से कम 3 फीट आपको रखना चाहिए, तभी आप उसमें आगे चलने फिरने में आपको आसानी होने वाली है, हार्वेस्टिंग करने में आपको आसानी होने वाली है और स्प्रे करने और बाकी अन्य कार्य करने में भी आपको आसानी होने वाली है। वैसे में देखा यह गया है कि आप बाहर से अगर हम देखते हैं कई जगह पर हमारे जगह पर भी एक किसान ने लगाया हुआ है तो वैसे स्थिति में चलने के लिए जगह भी नहीं रहता, तो आप कम से कम 3 फीट जो है बेड से बेड की दूरी रखें, तभी आपको एक अच्छी सुविधा वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बरसात की जो भिंडी है वह काफ़ी हाइट उसका ज़्यादा हो जाता है, आप उसमें हाइट उसमें आपको बड़ा देखने को ही मिलने वाला है। तो इस हफ्ते कुछ इतने ही सवाल थे, उम्मीद है सभी किसान साथियों को यह वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और आपका भी किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम हर किसान साथियों का सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और आगे भी इसी तरीके का जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।